गोपाल जी की पूजा, त्रैलोक्य मोहन मंत्र तथा श्रीधर पूजन विधि। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली श्री गोपाल जी तथा भगवान श्रीधर विष्णु की पूजा का वर्णन कर रहा हूँ, इसे सुने। पूजा प्रारंभ करने से पहले पूजा मंडल के द्वारदेश में गंगा और यमुना के साथ धाता और विधाता की, श्री के साथ शंख, पद्मनिधि एवं शांग धनुष और शरभ की पूजा करनी चाहिए तथा पूर्व दिशा में भद्र और सुभद्र की, दक्षिण दिशा में चंड और प्रचंड की, पश्चिम दिशा में बल और प्रबल की, उत्तर दिशा में जय और विजय की तथा चारों दरवाजों पर श्री, गण, दुर्गा और सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। मंडल के अग्नि आदि कोणों में और दिशाओं में परम भागवत नारद, सिद्ध तथा गुरु का एवं नल कुबेर का पूजन करें। पूर्व दिशा में विष्णु, विष्णु तपा तथा विष्णु शक्ति की अर्चना करें। इसके बाद विष्णु के परिवार की अर्चना करें। मंडल के मध्य में शक्ति की और कूर्म, अनंत, पृथ्वी, धर्म, ज्ञान तथा वैराग्य की अग्नि आदि कोणों में पूजा करें। वायव्य कोण के साथ उत्तर दिशा में प्रकाशात्मक एवं ऐश्वर्य की पूजा करें। गोपीजन वल्लभाय स्वाहा ये गोपाल मंत्र है। मंडल की पूर्व दिशा से आरंभ करके क्रमशः आठों दिशाओं में जाम्बवंती और सुशीला के साथ रुक्मिणी, सत्यभामा, सुनंदा, नागनीजिति, लक्ष्मणा और मित्रविंदा की पूजा करनी चाहिए। साथ ही श्री गोपाल के शंख, चक्र, गदा, पद्म, मूसल, खंग, पाश, अंकुश, श्रीवत्स, कौस्तुभ, मुकुट, वनमाला, इंद्रादि ध्वजवाहक दिक्पाल, कुमुदादि गण और विश्वक्सेन का पूजन करके श्री लक्ष्मी सहित कृष्ण की भी अर्चना करनी चाहिए। गोपीजन वल्लभ के मंत्र जपने से तथा उनका ध्यान करने से एवं उनकी सांगोपांग पूजा करने से साधक सभी कामनाओं को पूर्ण कर लेता है। त्रैलोक्य मोहन श्रीधर के मंत्र को जपें। ये मंत्र समस्त प्रयोजनों को पूर्ण करने वाले हैं। श्री सूत जी पुनः बोले, अब मैं श्रीधर भगवान विष्णु की मंगलमयी पूजा का वर्णन करता हूँ। साधक को सर्वप्रथम ओम श्याम हृदयाय नमः, ओम श्रीम शिरसे स्वाहा, ओम श्रूम शिखाय वशत, ओम श्याम कवचाय हूँ, ओम श्याम नेत्रत्राय वशत, ओम श्याम अस्त्राय फट, इन मंत्रों से अंगन्यास और कन्यास करना चाहिए। तदनंतर भगवान को शंख, चक्र, गदा स्वरूपिणी मुद्रा प्रदर्शित कर शंख, चक्र तथा गदा पद्म से सुशोभित आत्मस्वरूप श्रीधर भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करना चाहिए। तत्पश्चात स्वस्तिक या सर्वतोभद्र मंडल में श्रीधर देव की पूजा करनी चाहिए। सर्वप्रथम शांग धनुष धारण करने वाले देवाधिदेव भगवान विष्णु के आसन की पूजा करनी चाहिए। मंत्रों से श्रीधर के आसन का पूजन करके हे रुद्र, पूर्वोक्त धाता, विधाता, गंगा आदि देवों की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर हरि का आवाहन करके पूजन करें। उसके बाद ओम ह्रीम श्रीधराय त्रैलोक्य मोहनाय विष्णवे नमः आगच्छ, इस मंत्र से श्रीधर देव का आवाहन तथा पूजन करना चाहिए। इस पूजा के पश्चात ओम श्रीय नमः, इस मंत्र से लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। मंत्रों से षडंगन्यास, अस्त्र पूजा तथा उक्त देव परिवार की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर सपरिकर भगवान विष्णु का अभिषेक करके वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य निवेदित करके प्रदक्षिणा करें। मूल मंत्र का जप 108 बार करें और किया हुआ जप अभीष्ट देव भगवान श्रीधर को समर्पित कर दे। तत्पश्चात विद्वान साधक को चाहिए कि मुहूर्त भर अपने हृदय देश में स्थित विशुद्ध स्फटिक मणि के समान कांतिमान, करुणों सूर्य के सदृश प्रभाव वाले, प्रसन्नमुख, सौम्य मुद्रा वाले, चमचमाते हुए धवल मकराकृति कुंडलों से सुशोभित, सिर पर मुकुट को धारण किए हुए शुभ लक्षण संपन्न अंगों वाले तथा वनमाला से अलंकृत परब्रह्म स्वरूप श्रीधर देव का ध्यान करें। उसके बाद स्तोत्रों से भगवान की स्तुति करनी चाहिए। हे देव, आप लक्ष्मी निवास और श्रीपति हैं, आपको मेरा नमस्कार है। आप श्रीधर हैं, शांग पाणी हैं, आप साधक को लक्ष्मी प्रदान करने वाले हैं, आपको मेरा नमस्कार है। आप ही श्रीवल्लभ, शांति स्वरूप तथा ऐश्वर्य संपन्न देव हैं, आपको मेरा प्रणाम है। आप श्री पर्वत पर निवास करने वाले हैं, समस्त मंगलों के स्वामी, सर्व कल्याणकर्ता तथा सर्व मंगलाधार हैं, आपको मेरा बार बार नमस्कार है। आप कल्याण और ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं, आपको मेरा नमन है। आप शरण देने वाले तथा सर्वश्रेष्ठ हैं, आपको बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार देवाधिदेव श्रीधर भगवान विष्णु का स्तवन और नमन करके उनका विसर्जन करना चाहिए। भक्तिपूर्वक इस पूजा को करने वाला परम पद को प्राप्त करता है। जो विष्णु पूजा को प्रकाशित करने वाले
इस अध्याय का पाठ करता है वो इस लोक में समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है। रुद्र ने कहा, हे प्रभु, हे जगत के स्वामी, पुनः उस प्रकार की पूजा विधि को बताने की कृपा करें जिसके द्वारा इस अत्यंत दुस्तर भवसागर को पार किया जा सकता है। श्री हरि बोले, हे वृषभध्वज, मैं विष्णुदेव के पूजन विधान को कह रहा हूँ। हे महाभाग, उस भोग और मोक्ष को देने वाले कल्याणकारी पूजन के विषय में सुने। हे रुद्र, सर्वप्रथम मनुष्य को स्नान करना चाहिए, तदनंतर संध्या से निवृत्त होकर यज्ञ मंडप में प्रवेश करना चाहिए। हाथ पैर का प्रक्षालन कर विधिवत आचमन करके न्यास विधि के अनुसार दोनों हाथों के द्वारा व्यापक रूप में मूल मंत्र का कर्ण्यास करना चाहिए। हे रुद्र, उन विष्णुदेव के मूल मंत्र को कह रहा हूँ, आप सुने। ओम श्रीम ह्रीम श्रीधराय विष्णवे नमः। ये मंत्र देवाधिदेव परमेश्वर विष्णु का वाचक है। ये समस्त रोगों का हरण करने वाला तथा सभी ग्रहों का शमन करता है। ये सर्व पाप विनाशक और भुक्ति मुक्ति प्रदायक है। साधक को मंत्रों के द्वारा अंगन्यास करना चाहिए। आत्मसंयमी साधक को चाहिए कि वह अंगन्यास करके आत्ममुद्रा प्रदर्शित करे। तदनंतर हृदय गुहा में विराजमान शंख चक्र से युक्त कुंड पुष्प और चंद्रमा के समान शुभ्र कांति वाले श्रीवत्स और कौस्तुभ मणि से समन्वित वनमाला तथा रत्नहार धारण किए हुए परमेश्वर भगवान विष्णु का ध्यान करें। तदनंतर विष्णु मंडल में अवस्थित होने वाले आप सभी देवगणों, पार्षदों तथा शक्तियों का मैं आवाहन करता हूँ, यहाँ पर आप सब पधारें। ऐसा कहकर नाम मंत्रों से गंध पुष्पादि उपचारों के द्वारा धाता विधाता गंगा यमुना आदि देवताओं का नमस्कार पूर्वक पूजन करना चाहिए। तदनंतर हे रुद्र, शिष्ट तथा संहार करने वाले सभी पापों को दूर करने वाले परमेश्वर भगवान विष्णु का मंडल में आवाहन करके इस विधि से उनका पूजन करना चाहिए। जिस प्रकार सर्वप्रथम अपने शरीर में न्यास किया जाता है उसी प्रकार प्रतिमा में भी सर्वप्रथम न्यास करना चाहिए। तत्पश्चात मुद्रा का प्रदर्शन कर अर्घ्य पाद्यादि उपचारों को अर्पण करना चाहिए। उसके बाद स्नान वस्त्र आचमन गंध पुष्प धूप दीप तथा नैवेद्य रूप में चरु अर्पित करके उन देव की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। तदनंतर उनके मंत्र का जप करके इस जप पूजन को उन्हें ही समर्पित कर देना चाहिए। हे वृषभध्वज, उन श्रीधर देव की पूजा उनके मूल मंत्र से करनी चाहिए। हे त्रिनेत्र, इसके साथ साथ मंत्रों से न्यास तथा विष्णु के परिवार दिग्देवता और आयुध आदि की पूजा करनी चाहिए। हे महादेव, इस प्रकार इन मंत्रों से अधिकारी मनुष्यों को चाहिए कि वे विष्णु के विभिन्न अंगों की पूजा करें। तदनंतर ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु का पूजन करके स्तुति से उन अविनाशी परमात्मा प्रभु का स्तवन करें। देवाधिदेव तेजोमूर्ति भगवान विष्णुदेव के लिए नमस्कार है। संसार की स्थिति पालन करने वाले वासुदेव विष्णु के लिए नमन है। प्रलय के समय संसार को अपने मूल कारण प्रकृति में लीन करके आत्मसात कर शयन करने वाले विष्णु को प्रणाम है। देवों के अधिपति तथा यज्ञों के अधिपति विष्णु को नमन है। मुनियों तथा यक्षों के प्रभु और समस्त देवों पर विजय प्राप्त करने वाले सब में व्याप्त रहने वाले महात्मा ब्रह्मा इंद्र रुद्रादि के वंदनीय सर्वेश्वर भगवान विष्णु के लिए नमस्कार है। समस्त लोकों का कल्याण करने वाले लोकाध्यक्ष सर्वगोप्ता सर्वकर्ता तथा समस्त दुष्टों के विनाशक भगवान विष्णु के लिए नमन है। वर प्रदान करने वाले परम शांत सर्वश्रेष्ठ शरणागत की रक्षा करने वाले सुंदर रूप वाले धर्म काम तथा अर्थ इस त्रिवर्ग के प्रदाता भगवान विष्णु के लिए बार बार प्रणाम है। हे शंकर, इस प्रकार ब्रह्म स्वरूप अव्यय परात्पर भगवान विष्णु की स्तुति करके अपने हृदय में उनका ध्यान करना चाहिए। तत्पश्चात मूल मंत्र से उन विष्णु की पूजा करनी चाहिए और मूल मंत्र का जप करना चाहिए। जो अधिकारी व्यक्ति ऐसा करता है वो भगवान विष्णु को प्राप्त कर लेता है। हे रुद्र, इस प्रकार मैंने आपसे इस रहस्यपूर्ण परम गुह्य भुक्ति मुक्ति प्रद और उत्तम विष्णु की पूजा विधि को कहा है। हे शंकर, जो विद्वान पुरुष इसका पाठ करता है वो विष्णु भक्त हो जाता है। इसे जो सुनता है अथवा सुनाता है वो विष्णु लोक को प्राप्त करता है। पंच तत्वार्चन विधि। महेश्वर ने कहा, हे शंख चक्र गदाधर, आप पंच तत्वों की उस पूजा विधि को मुझे बताने की कृपा करें जिसका ज्ञान प्राप्त कर लेने मात्र से ही मनुष्य परम पद को प्राप्त कर लेता है। श्री हरि ने कहा, हे सुव्रत शिव, मैं आपसे पंच तत्व पूजा विधि को कह रहा हूँ। ये दिव्य मंगल स्वरूप कल्याणकारी रहस्यपूर्ण श्रेष्ठ तथा अभीष्टों की सिद्धि करने वाली है। हे महादेव, ऐसे उस परम पवित्र
कलिदोष विनाशक पूजन विधि का आप श्रवण करें। हे सदाशिव, एक ही परमात्मा जो वासुदेव श्री हरि हैं, वे ही अविनाशी शांत सनातन सत्स्वरूप हैं। वे ध्रुव नित्य अचल शुद्ध सर्वव्याप्त तथा निरंजन हैं। वे ही विष्णुदेव अपनी माया के प्रभाव से पांच प्रकार से अवस्थित हैं। वे जगत का कल्याण करने वाले हैं। वे ही अद्वितीय विष्णु वासुदेव संकर्षण बलराम प्रद्युम्न अनिरुद्ध तथा नारायण स्वरूप से पांचों रूपों तत्वों में स्थित हैं। हे वृषध्वज, जनार्दन विष्णु के उक्त पंच रूपों के वाचक मंत्र इस प्रकार हैं। ओम अम वासुदेवाय नमः, ओम आम संकर्षणाय नमः, ओम अम प्रद्युम्नाय नमः, ओम अह अनिरुद्धाय नमः, ओम ओम नारायणाय नमः। ये पांच मंत्र उक्त पांच देवताओं के वाचक हैं, जो सभी पातक महापातकों के विनाशक पुणी जनक तथा समस्त रोगों को दूर करने वाले हैं। अब मैं आपसे मंगलमय पंच तत्वार्चन विधि को कह रहा हूँ। हे शिव, उसको जिस विधि से और जिन मंत्रों के द्वारा संपन्न करना चाहिए उसका आप श्रवण करें। इन पांच देवों की पूजा में सर्वप्रथम स्नान करके विधिवत संध्या करनी चाहिए। तदनंतर हाथ पैर धोकर पूजा गृह में प्रवेश करके विद्वान साधक को चाहिए कि वो आचमन करके मनोनुकूल आसन लगाकर बैठ जाए और अंग शाम रम इन मंत्रों से शोषण आदि क्रिया करे। वे वासुदेव कृष्ण जगत के स्वामी पीतवर्ण के कौशेय रेशमी वस्त्रों से विभूषित सहस्त्र सूर्य की किरणों के समान तेज स्वरूप तथा दैदीप्यमान मकराकृति कुंडलों से सुशोभित हैं। ऐसे उन भगवान कृष्ण का अपने हृदय कमल में ध्यान करना चाहिए। तदनंतर भगवान संकर्षण का ध्यान करें। उसके बाद यथाक्रम प्रद्युम्न अनिरुद्ध तथा श्रीमन नारायण के स्वरूप का ध्यान करके उन देवाधिदेव से प्रादुर्भूत इंद्रादि देवों का ध्यान करके मूल मंत्र के द्वारा दोनों हाथों से व्यापक रूप में करन्यास करें। तत्पश्चात अंगन्यास के मंत्रों से अंगन्यास करें। हे महादेव, सुव्रत मंत्रों से न्यास एवं पूजा करें। तत्पश्चात ओम पद्माय नमः ऐसा कहकर स्वस्तिक और सर्वतु भद्रादि मंडलों का निर्माण करके उस मंडल में इन्हीं मंत्रों से देवों का पूजन करना चाहिए। मूल मंत्र से पाद्य आदि का निवेदन करके स्नान वस्त्र आचमन गंध पुष्प धूप दीप तथा नैवेद्य प्रदान करके नमस्कार तथा प्रदक्षिणा करनी चाहिए। हे शंकर, उसके बाद यथाशक्ति मूल मंत्र का जप कर उसे प्रभु को समर्पित कर दे। तदनंतर भगवान वासुदेव का स्मरण कर स्तोत्र का पाठ करें। हे वासुदेव, हे संकर्षण बलराम आपको नमस्कार है। हे प्रद्युम्न आदिदेव अनिरुद्ध आपके लिए नमस्कार है। हे नारायण नराधिपति आपको नमन है। कीर्तन करने योग्य मनुष्यों से पूजनीय स्तुति करने योग्य वर देने वाले आदि तथा अंत से रहित सनातन प्रभु को बारंबार नमस्कार है। सृष्टि और संहार करता ब्रह्मा के भी स्वामी तथा शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु को नमस्कार है। नमस्कार है। कलिकाल के दोषों को नष्ट करने वाले देवों के ईश आपको बारंबार प्रणाम है। संपूर्ण जगत रूपी मूल वृक्ष का छेदन करने वाले माया का भेदन करने वाले बहुत से रूपों को धारण करने वाले तीर्थ स्वरूप सत्व रजस तथा तमरूप एवं वस्तुतः निर्गुण तथा ब्रह्मा विष्णु और शिव इन तीन रूपों में अवस्थित रहने वाले मोक्षदायक भगवान विष्णु परमेश्वर को नमस्कार है। मोक्ष के द्वारभूत धर्म स्वरूप निर्वाण रूप समस्त अभिष्टों को प्रदान करने वाले परब्रह्म स्वरूप आपके लिए बार बार नमस्कार है। इस गहन संसार सागर में मैं डूब रहा हूँ, आप मेरा उद्धार करें। हे देव देवेश्वर, हे जगत के स्वामी, आपके अतिरिक्त मेरा कोई भी रक्षक नहीं है। सर्वत्र व्याप्त रहने वाले हे भगवान विष्णु, मैं आपकी शरण में हूँ। हे भगवान, ज्ञान रूपी दीपक को प्रज्वलित कर मेरा ज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके मुझे प्रकाशित कर दें। इस प्रकार समस्त कष्टों को दूर करने वाले देवेश भगवान वासुदेव की स्तुति करके हे नीलोहित शिव, अन्य वैदिक स्तोत्र पाठों से भी स्तुति करके पंच तत्वों से युक्त उन भगवान विष्णु का अपने हृदय में ध्यान करें। इसके बाद विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार हे शंकर, संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली वासुदेव की श्रेष्ठ पूजा कही गई। इस पूजा के करने मात्र से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। हे रुद्र, जो व्यक्ति इस पंच तत्वार्चन को पढ़ता है सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है वो विष्णु लोक को प्राप्त होता है। सुदर्शन चक्र पूजा विधि। रुद्र ने कहा, हे शंख गदाधर, उस सुदर्शन की पूजा के विषय में मुझे बताएं, जिसके करने से ग्रह दोष और रोगादि सभी कष्ट विनष्ट हो जाते हैं।
श्री हरि ने कहा, हे वृषभध्वज, सुदर्शन चक्र की पूजा विधि को मैं कह रहा हूँ, आप सुने। सर्वप्रथम स्नान करके हरि का पूजन करे। साधक को चाहिए कि अपने निर्मल एवं शुभ हृदय कमल में भगवान सुदर्शन देव विष्णु का ध्यान करे। हे महादेव, उसके बाद मंडल में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण करने वाले सौम्य आकृति वाले किरीट भगवान विष्णुदेव का आवाहन करके गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि विविध उपचारों से पूजा करे। पूजा के अंत में मूल मंत्र का 108 बार जप करे। हे रुद्र, जो इस प्रकार सुदर्शन चक्र का उत्तम पूजन करता है, वो इस लोक में समस्त रोगों से विमुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। मंत्र जप के पश्चात सभी व्याधियों को विनष्ट करने वाले स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। सहस्त्र सूर्य के समान तेज संपन्न सुदर्शन चक्र के लिए नमस्कार है। तेजस्वी किरणों की मालाओं से प्रदीप्त हजारों अरे वाले नेत्र स्वरूप सर्वदुष्ट विनाशक तथा सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाले आपको नमन है। सुचक्र तथा विचक्र नामधारी संपूर्ण मंत्र का भेदन करने वाले, जगत की सृष्टि करने वाले, पालन पोषण करने वाले एवं जगत का संहार करने वाले हे सुदर्शन चक्र, आपको नमस्कार है। संसार की रक्षा करने के लिए देवताओं का कल्याण करने वाले, दुष्ट राक्षसों का विनाश करने वाले, दुष्टों का संहार करने के लिए उग्र स्वरूप एवं प्रचंड स्वरूप और सज्जनों के लिए सौम्य स्वरूप धारण करने वाले आपको बारंबार नमस्कार है। जगत के लिए नेत्र स्वरूप संसार भय को काटने वाले, माया रूपी पिंजरे का भेदन करने वाले कल्याणकारी सुदर्शन चक्र को नमस्कार है। ग्रह एवं अतिग्रह स्वरूप, ग्रहपति, काल स्वरूप, मृत्यु स्वरूप, पापात्माओं के लिए महाभयंकर आपके लिए बार बार नमन है। भक्तों पर कृपा करने वाले उनके अभिरक्षक विष्णु स्वरूप शांत स्वभाव समस्त आयुधों की शक्ति को अपने में धारण कर स्थित रहने वाले विष्णु के शस्त्रभूत हे सुदर्शन चक्र, आपके लिए बारंबार नमस्कार है। हे शंकर, सुदर्शन चक्र के इस महापुण्यशाली स्रोत का जो मनुष्य परम भक्ति से पाठ करता है, वो विष्णु लोक को प्राप्त करता है।